वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके मेरा चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, ये मेरा तबीयत ज़रा ठीक नहीं था, थोड़ा सर्दी लगा हुआ था, इसलिए वो वॉइस भी अच्छा नहीं आता, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। काफ़ी 7-8 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। दोस्तों आप लोगों को कनाडा का जॉब मिल जाएगा वेरी इजीली, वो भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 अगर आप खर्च कर सकते हो तो आपको जॉब मिल जाएगा। दोस्तों ओनली 10,000 में आपको कनाडा का वर्क परमिट मिल जाएगा, बाकी पैसा आपको आपका सैलरी से देना है कनाडा जाकर। और कनाडा कैनेडियन जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको फ्लाइट टिकट प्रोवाइड करेगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, और रहने के लिए घर प्रोवाइड करेगा, खाना भी प्रोवाइड करेगा, सारा कुछ। मतलब आपको सिर्फ इधर 10,000 देना है, बाकी और कुछ नहीं देना है। दोस्तों तो चलिए कैसे ही वर्क परमिट आप लोगों को मिलेगा ये देखने के लिए मेरा वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा और आपको वर्क परमिट बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों आप सभी के सब लिए मेरा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोगों तक जल्दी पहुँच जाए। दोस्तों चलिए शुरू करते आज का वीडियो। दोस्तों मैंने ऐसा न्यूज़पेपर में ऐड देखा था, फेसबुक में ऐड देखा था, बहुत सारा ऐड रोज आता जाता रहता है। मेरा फेसबुक में कम से कम 5,000 फ्रेंड है, सॉरी 5,000 फ्रेंड है। तो उसमें से मैं तो मतलब 90% आदमी को मैं जानता तक नहीं, लेकिन मैं ऐड देखता रहता हूँ, ठीक है। तो कनाडा का वर्क परमिट, ये वर्क परमिट 15 दिन में आपको मिल जाएगा, ओनली आपको सिर्फ इधर देना है 10,000। वो 10,000 किस लिए देना है, आपका मेडिकल होगा, कुछ डॉक्यूमेंट रेडी होगा, इसलिए आपको वो 10,000 देना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं देना है। बाकी पैसा आपको देना है वो कनाडा पहुंचने के बाद, मतलब नहीं देना है, और सैलरी आपका जो रेस्ट अमाउंट है वो सैलरी से आपका डिडक्ट हो जाएगा थोड़ा 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 करके। और इसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, रहने का घर मिलेगा, फ्लाइट टिकट मिलेगा, खाना मिलेगा, सारा कुछ आपको मिलेगा। ओनली आपको देना है दोस्त 10,000। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है बोलिए, आप लोगों को तो जॉब 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, मेरे पास ऐसा लिंक आया है। तो दोस्तों आप बता दूँ इसका रियलिटी क्या है। दोस्तों ऐसे नहीं होता कनाडा का जॉब, कनाडा का दोस्त जॉब तो दोस्तों कभी कभी तो 10,000 क्या 10 लाख भी नहीं मिलता, मतलब 10,000 क्या 10 लाख भी आपको नहीं मिलेगा। और ऐसा कभी कभी होता है आपको एक भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको कनाडा का वर्क परमिट मिल जाएगा 2 साल का। तो दोस्तों ये जो सब न्यूज़पेपर में आता है, यूट्यूब में सॉरी फेसबुक में आता है, ये जो सारे के सारे ऐड होता है, ये सारे सारे फेक होता है। दोस्तों मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आपको कनाडा का वर्क परमिट लेना है तो इसके लिए कम से कम जो टाइम लगता है वो है 90 डेज, ज़्यादा लग सकता है 180 डेज भी लग सकता है, मिनिमम 90 डेज ये लगता है। क्योंकि पहले आपको आपके एम्प्लॉयर के पास आपको अप्लाई करना होता है, अगर उधर वैकेंसी है तभी आपको पहले अपना अप्लाई करना पड़ता है, आपका सिलेक्शन होता है, अगर सिलेक्शन होता है फिर आपको वो एक ऑफ़र लेटर भेजता है, वो अगर ऑफ़र आपका मंजूर है तो आप उसको साइन करके भेजते हो, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, और वीज़ा के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होता है LMI वगैरह ये सारा चीज़ें होते होते लगभग 90 डेज टाइम लग जाता है। तो ये मैंने मिनिमम 90 डेज बोला है। दोस्तों मैंने देखा है किसी के तो 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ तक भी लग गया है। और दोस्तों आता है ये 10,000 10,000 में कनाडा का जॉब पॉसिबल है या नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, आपको 10,000 में कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करेगा। देखिए जो लोग आपको जॉब प्रोवाइड करेगा 10,000 के नाम में, आप 10,000 दीजिए, आपका मेडिकल होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, तो ये सारा फेक होता है। आपका तो मेडिकल वो कराएंगे, उसका जो पॉलीक्लिनिक होता है, जो हॉस्पिटल वगैरह लेबोरेटरीज वगैरह होता है उधर, उन लोगों का जान पहचान होता है, आप उधर 10,000 पे करेंगे, उसमें से 90% वो एजेंसी के पॉकेट चला जाता है, मतलब 8 से 9 हज़ार वो एजेंसी ले लेता है, ये उनका प्रॉफिट होता है। मान लीजिए एक महीने में 100 क्लाइंट उन्होंने इकट्ठा किया, ऐसा वो जो प्रॉफिट होता है ये दिखा कर क्लाइंट को, ये लालच दिखाता है क्लाइंट को, क्योंकि उन लोगों की पता है इंडिया में हमें इतना सारा अनएम्प्लॉयड हो चुका है, अगर हम लालच दिखाएंगे कि कनाडा में आपको जॉब मिलेगा
1.5 से 2 लाख का सैलरी आपको मिलेगा, तो ये लालच में बहुत सारा क्लाइंट फंस जाएगा। जो भी है, ये सारा कुछ फेक होता है। अगर आपको कनाडा का वर्क परमिट लेना है तो कनाडा गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पर जाकर आप उसमें अप्लाई कीजिए। अगर कोई एम्प्लॉयर को आपका प्रोफाइल अच्छा लगा, वो आपको ऑफर लेटर भेजेंगे, अगर अच्छे नहीं लगा तो नहीं भेजेंगे। ऐसे कोई एजेंसी आपको वर्क परमिट नहीं दे सकते जो मार्केट में आता है। अगर कोई किसी एजेंसी तो आपको वीज़ा भी प्रोवाइड कर देगा, वो वीज़ा भी नकली होगा, ठीक है। लास्ट टाइम जो हुआ था, हम लोग पौंडीचेरी में देखे हैं काफ़ी सारा फेक वीज़ा निकले हैं, उसके बारे में मेरा दूसरा वीडियो आने वाला है, वो सारा डिटेल्स आपको मेरे पास है, मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, कनाडा को वर्क परमिट ऐसे नहीं होता है, आप लोग इसमें इस जाल में मत फंसिएगा। अगर आपको वर्क परमिट लेना है तो खुद आप अप्लाई कीजिए। आपको वर्क परमिट, अगर आपका लाभ अच्छा है, आपका क्वालिटी अच्छा है, आप एजुकेटेड हो, तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। अदरवाइज आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आप एजेंसी के पीछे बिल्कुल मत घूमिएगा। आपका पैसा बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।